हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द रॉय डॉक्स ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 3 अक्टूबर के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक, जिस पे आप 3 अक्टूबर को इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कल ट्रेडर्स, हमारा गांधी जयंती के अवसर पे हमारा कल मार्केट बंद रहेगा, तो कल हमारा मार्केट बंद है। तो इस वीडियो में बात करेंगे थर्सडे के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक। और ट्रेडर्स, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाए ट्रेडर्स। आपको जो है वहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलता है, और आपको वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, और आपको वहाँ पे लाइव चार्ट भी अपडेट करते हैं, जो कि ट्रेडर्स आज हमें लगभग लाइव चार्ट अपडेट किए थे पीवी फाइन टेक की तरफ से, जो कि ट्रेडर्स आज हमें लगभग 6% का रिटर्न दिया था, जो कि टेलीग्राम पे अपडेट किए थे। तो ये बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल का, तो आप अभी जाके ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपको यहाँ पे स्कैनर आ रहा होगा, तो सिंपली से आपको स्कैन करना है और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स, बात करेंगे आज जो स्टॉक ट्रेड करने दे थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक था जेल इंटरटेनमेंट के तरफ से, जो कि ये लेवल पे ब्रेकआउट करने दिए थे, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने लगभग आज हाई बनाया 141.96 पैसा का। तो ट्रेडर्स, इसमें जो सारा टारगेट अचीव किया ये स्टॉक काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, लगभग 2% का ये स्टॉक मूव दिखाया। अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का ट्रेडर्स हमारा सेकेंड स्टॉक था अदानी विलमार की तरफ से, जिसको ट्रेडर्स इसको भी ट्रेड करने दिए थे, जो कि ट्रेडर्स यहां से ब्रेकआउट करने पे बाइंग बोले थे। इसमें भी ट्रेडर्स हमारा ब्रेकआउट लेवल टिगर हुआ, और स्टॉक ने हाई बनाया 355 के पास, लगभग हमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट को करीब रहा। तो अगर आप इसमें भी ट्रेड लिए होंगे तो नीचे कॉमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आज का ट्रेडर्स हमारा अगला इंट्राडे स्टॉक था, जो कि बर्जर पेंट की तरफ से था, जो कि ट्रेडर्स इस लेवल पे ब्रेकआउट करने दिए थे, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेन लाइन मार्क कर दिए थे, बट ये ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन करने पे आप शॉर्ट सेल पोजीशन बनाए होंगे, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें ट्रेडर्स फिर से देखे तो ये स्टॉक में काफी अच्छा खासा एक ट्रेन लाइन देखने के लिए मिला है, ये लेवल को ब्रेकआउट करता है 622 का, तब आप इसमें कल एंट्री बना सकते हैं, जो कि ये लेवल से काफी अच्छा खासा इसमें मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो अगर ट्रेडर्स इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बनाए होंगे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का ट्रेडर्स हमारा लास्ट इंट्राडे स्टॉक, जो कि बताए थे जो प्रीवियस वीडियो में भी दिए थे, जो कि ये कंसोलिडेशन करते हुए नजर आया था, यहाँ पे देखिए आज ब्रेकआउट किया, ये स्टॉक काफी अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखने के लिए मिला, जो कि ट्रेडर्स आप यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ पे भी 2% का इजिली रिटर्न आज देखने के लिए मिल गया। अगर आप इसमें भी ट्रेड लिए होंगे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ट्रेडर्स, अगर आप लोग को हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, और ये वीडियो को भी लाइक कर दे, और अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो को जरूर शेयर करे। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर के लिए यानी थर्सडे के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक, जिस पे आप थर्सडे को इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो थर्सडे के लिए हमारा फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा ट्रेडर्स हमारा पेट्रोनेट की तरफ से। इसको ट्रेडर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखे तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, ये स्टॉक काफी नीचे गिरने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद एक लोअर लेवल से काफी अच्छा खासा यहाँ बाउंस बैक किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 346 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है थर्सडे को, तब आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट करेगा तब आप 346 ऊपर से आप एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 348 का रखेंगे, सेकेंड टारगेट आपको 350 का रखना है, और इसमें स्टॉप लॉस 344 का रखना है। तो अगर ट्रेडर्स पेट्रोनेट ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्सडे के लिए फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो आप थर्सडे को इसे जरूर ट्रैक करें। तो बात कर लेते हैं थर्सडे के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक, थर्सडे के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक हो जाएगा हिंडाल्को की तरफ से। ये स्टॉक में आप प्रीवियस में भी देखे तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिला है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, जो कि ये मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जो कि सपोर्ट की तरह फॉलो करते हुए यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए यहाँ पे मिला है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ट्रेडर्स यहाँ थर्सडे को चांस है 3 अक्टूबर को यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा बाइंग पोजीशन लेबल हो जाएगा
7666 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट आपको 769 का रखना है, सेकंड टारगेट 772 का रखना है और इसमें स्टॉप लॉस 763 का रखना है। तो अगर ट्रेडर्स थर्सडे को ये ब्रेकआउट करके निकलता है तब आपको एंट्री लेना है। तो अगर ये थर्सडे को ब्रेकआउट करेगा, ध्यान रखना है ट्रेडर्स आपको अच्छा वॉल्यूम देखने आए तो आप तब आप सेकेंड टारगेट तक वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट टारगेट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये जो है हमारा थर्सडे के लिए सेकेंड स्टॉक हो जाएगा, तो आप इसे जरूर ट्रैक करें। तो ट्रेडर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारा पेड इक्विटी ग्रुप के बारे में, जिसमें ट्रेडर्स आज जो हम पेड इक्विटी ग्रुप में स्टॉक दिए थे, तीन स्टॉक दिए थे, फर्स्ट कल्याण जेवर, सेकंड इंडस टावर जिसमें लेवल टिगर नहीं हुआ, एनटीपीसी में लेवल टिगर हुआ बट ये स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं था। तो इसमें ट्रेडर्स हमें एसएल देखने के लिए मिला 2 रुपया का। जो ट्रेडर्स हमारा कल्याण जेवर था जिसमें ट्रेडर्स आज हमें 4% 3.5% का रिटर्न देखने के लिए मिला है, आप यहां पे देख सकते हैं एक मेंबर ने कल्याण जेवर में लगभग 2100 का प्रॉफिट बुक किया है। जो एसएल हिट हुआ इसको तो इजीली आप रिकवर कर लिए होंगे। अगर ट्रेडर्स आप जो हमारा पेड इक्विटी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका फी जो ट्रेडर्स सिर्फ जो है 199 फर्स्ट मंथ के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो आप अभी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारा 3 अक्टूबर के लिए हमारा थर्ड स्टॉक। 3 अक्टूबर के लिए हमारा थर्ड स्टॉक हो जाएगा इन्फोसिस के तरफ से। इसको भी ट्रेडर्स देखे, जैसा कि ट्रेडर्स निफ्टी जो है 2 दिनों से हमें फॉल गिरावट देखने के लिए मिला है इसमें, और सारे निफ्टी का स्टॉक गिरावट देखने के लिए मिला। आज थोड़ा लास्ट के आवर में थोड़ा निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, जो कि ये स्टॉक में देखे तो गिरावट के बाद यहाँ से काफी अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिला है और ये लेवल पे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करते हुए नजर आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ट्रेडर्स चांस है 3 अक्टूबर को ये ब्रेकआउट करके निकलता है इन्फोसिस, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा एंट्री पोजिशन होगा 1910 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट 1916 का रखना है, सेकेंड टारगेट 1922 का रखना है और इसमें स्टॉप लॉस 1904 का रखना है। तो अगर ट्रेडर्स इन्फोसिस जो है 3 अक्टूबर को यहां से ब्रेकआउट करेगा तब आप इस लेवल के ऊपर एंट्री बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा थर्ड इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल जो है आप इसे जरूर ट्रैक करें, यानी परसों। तो अगला इंटरडे स्टॉक ट्रेडर्स हमारा हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। इसमें भी ट्रेडर्स देखे तो सेम काइंड, ये पहले एक सपोर्ट लिया फिर ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक राउंड बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था फिर नीचे गिर रहा था बट यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला। तो अगर ट्रेडर्स चांस है ये लेवल को जो 3 अक्टूबर को ब्रेकआउट करता है कोटक महिंद्रा, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा लेवल होगा 1885 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट 1890 का रखें, सेकेंड टारगेट आपको 1895 का रखना है और इसमें स्टॉप लॉस 1880 का रखना है। तो अगर ट्रेडर्स कोटक महिंद्रा यहां से ब्रेकआउट करेगा 3 अक्टूबर को तब आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो है हमारा उस दिन के लिए हमारा फोर्थ स्टॉक होगा। तो बात करते हैं हमारा उस दिन के लिए लास्ट स्टॉक, जो कि ट्रेडर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज हो जाएगा। इसको ट्रेडर्स यहाँ पे देखे तो ये जो स्टॉक है काफी अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, जो कि ट्रेडर्स इसका ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये ब्रेकआउट करके इसको सस्टेन करता है उस दिन 3 अक्टूबर को, तब फिर से आप यहाँ पे एंट्री पोजिशन बना सकते हैं। इसमें भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक को अपने रेडार पे रखना है। और आपको लास्ट स्टॉक जो कि 6th स्टॉक जो आज टेलीग्राम पे दिए थे, जो आज हमें 5% का रिटर्न दिया है, इसमें भी काफी अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट लेवल जो है इसका तो इसको आपको वेट करना है। इसके भी ऊपर यहाँ से स्टॉक में सस्टेन करेगा तो इसमें भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक को आप 3 अक्टूबर को ट्रैक कर सकते हैं। और ट्रेडर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।